कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, रजनी गंधा। कैच का कोई मैच नहीं, कैच मसाले, और प्राण जाए पर पल्स ना जाए, पल्स कैंडी। ये तीन ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते ही होंगे, और ये ब्रांड्स जिस कंपनी के हैं उसका नाम है डीएस ग्रुप। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएस ग्रुप के बारे में, कि डीएस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई थी और फिर वो इतने ज्यादा ब्रांड्स कैसे क्रिएट किया और उन्हें आज तक इतने अच्छे लेवल पे ऑपरेट कैसे कर रहा है। तो वीडियो आज का काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग पूरी स्टोरी कवर करेंगे शुरुआत से लेके अंत तक, और वीडियो के एंड में हम लोग सबसे मेन चीज देखेंगे वो ये है कि डीएस ग्रुप से हम और आप क्या चीजें सीख सकते हैं और उसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके एक रियल लाइफ इंपैक्ट देख सकते हैं। तो अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज असली जो चीज है ना वो वीडियो के एंड में ही है। तो अगर आप वीडियो के एंड तक नहीं देखोगे तो वीडियो देखने का कोई फायदा भी नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। देखो हर बिजनेस जो होता है ना उसका जो बिगिनिंग होता है बहुत ही हम्बल होता है। आप अगर हमारे चैनल पर और भी वीडियो चेकआउट करो तो ये आपको हर स्टोरी हर बिजनेस का ये पार्ट तो आपको मिल ही जाएगा कि जो बिगिनिंग है वो काफी हम्बल तरीके से होता है। वैसे डीएस ग्रुप की जो शुरुआत है वो भी बहुत ही हम्बल तरीके से हुई थी। लगभग 1920s के टाइम पे धर्मपाल जी, ठीक है, डीएस का मतलब धर्मपाल जी, जो कि सत्यपाल जी के पिताजी थे, उन्होंने एक छोटी सी अपनी परफ्यूमरी की शॉप शुरू की थी चांदनी चौक दिल्ली में। उस परफ्यूमरी शॉप में ये करते क्या थे कि अलग अलग तरह के फ्रेग्रेंसेस बनाते थे, अलग अलग तरह के फ्लेवरिंग्स बनाते थे, ये सारी चीजें वो अपने छोटे से परफ्यूम शॉप में करते थे। अब देखो परफ्यूम शॉप में जब किसी भी बिजनेस में आप एंटर करते हो और गल्ले पे जब आप बैठते हो ना, तो जब कस्टमर आपके गल्ले पे आता है, आपके दुकान पे आता है, तभी आपको पता चलता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट में किस चीज की डिमांड है। तो जब ये अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे तो उनमें देखा कि जो टोबैको का जो फ्लेवरिंग ये करते हैं ना उसका डिमांड मार्केट में काफी अच्छा है, और डिमांड इतने नेक्स्ट लेवल पे जाने लगा था कि ना ही बस दिल्ली में बट दिल्ली के आसपास के जो एरियाज थे वहां पे भी धर्मपाल जी का नाम आने लगा था कि भाई उस दुकान पे बहुत ही अच्छे तरह के पान मसाले वगैरह मिलते हैं, फ्लेवर्ड पान वगैरह मिलता है। ऐसे करते करते चीजें आगे बढ़ती चली गई। फिर 1929 के आसपास धर्मपाल जी के बेटे का जन्म होता है जिनका नाम सत्यपाल है, ठीक है। तो सत्यपाल जी अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके फिर वो भी अपने पिताजी के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं लगभग 1940s के टाइम पे। जब सत्यपाल जी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें दिखता है कि यार देखो अगर धंधे को लंबा बनाना है और धंधे को बड़ा बनाना है तो कुछ ब्रांडिंग वगैरह तो करना पड़ेगा और कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जिसे हम पूरे भारत में और विश्व में भी सप्लाई कर सकें। तो मेन जो डीएस ग्रुप का जो मतलब फाउंडेशन बनना शुरू हुआ था वो सत्यपाल जी के एंट्री के बाद से बनना शुरू हुआ था। तो जब सत्यपाल जी की एंट्री हुई बिजनेस में 1940s के अराउंड, तो लगभग उन्होंने 7-8 साल अपने पिताजी के साथ अपने धंधे में समय दिया, अपने दुकान पे उन्होंने समय दिया मार्केट समझने में और क्या नया वो कर सकते हैं। अल्टीमेटली अराउंड 1948 के टाइम पे जो डीएस ग्रुप था ना वो अपना पहला ब्रांड लॉन्च किया जाफरानी पत्ती नाम से। जाफरानी पत्ती जो थी वो फ्लेवर टोबैको का एक प्रोडक्ट था जो कि लोकल दिल्ली में ये लोग सप्लाई करते थे और बेचते थे। प्रोडक्ट का जो इनिशियल ट्रैक्शन था वो काफी अच्छा आ रहा था, मतलब जाफरानी पत्ती जो ब्रांड है वो अच्छा खासा चल रहा था। बट सत्यपाल जी यहां पे सैटिस्फाइड नहीं थे। अभी सैटिस्फाइड इसलिए नहीं थे क्योंकि अभी वो जो जाफरानी पत्ती थी ना उसको मतलब उस लेवल का इसमें इनोवेशन नहीं था, उस लेवल का इसमें फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं था जिस तरह का वो लोग चाहते थे, बट प्रोडक्ट ऑल्दो चल रहा था। तो इसी तरह से और भी आरएनडी वगैरह किया गया। आरएनडी करने के बाद लगभग 10 साल तक इनकी आरएनडी चली और 1958 में डीएस ग्रुप का फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया गया बाबा नाम से। कहा जाता है कि जब बाबा ब्रांड लॉन्च हुआ था तो इंडिया में वो पहला फ्लेवर टोबैको ब्रांड था। ऑल्दो जाफरानी पत्ती चल रही थी बट वो ब्रांडेड उतना नहीं थी, बट जो बाबा टोबैको था ये अपने टाइम का सबसे पहला फ्लेवर टोबैको ब्रांड था, और ये चीज इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एक रिमार्केबल चीज थी। तो पहली रिमार्केबल चीज हुई 1958 के टाइम पे। इसी तरह से ये ग्रुप अभी और भी ज्यादा टोबैको में काम करना चाहता, तो ऐसे ऐसे जब जैसे ही मार्केट से इन लोगों को डिमांड आता था उस हिसाब से प्रोडक्ट ये लोग अपना बना देते थे। 1958 के बाद से 1976 के टाइम पे इन्होंने
माउथ फ्रेशनर लॉन्च किया, बिकॉज जब कोई गुटखा खा रहा है गुटखा थूकने के बाद से भाई मुंह अच्छा स्मेल करना चाहिए ना, तो उसके बाद से इन्होंने माउथ फ्रेशनर लॉन्च किया तानसेन नाम से। ये माउथ फ्रेशनर उस टाइम पे अपना हिट प्रोडक्ट था, तो ये भी प्रोडक्ट काफी अच्छा चला। उसके बाद से 1979 के अराउंड इन्होंने एक और अपना टोबैको का प्रोडक्ट लॉन्च किया तुलसी नाम से। अगर आप इंडियन मार्केट में हो तो तुलसी ब्रांड जो है ना वो अभी भी चलता है, तुलसी इलायची वगैरह इस ब्रांड के आते हैं। तो तुलसी जर्दा उस टाइम पे लॉन्च किया गया जो कि एक टोबैको प्रोडक्ट ही था, सेम टू सेम बाबा के जैसा, बट जो टारगेट मार्केट था और जो प्रोडक्ट कैटेगरी थी वो टोटली डिफरेंट थी। तो तुलसी जर्दा को लॉन्च किया गया, ये भी प्रोडक्ट उस टाइम पे काफी हिट था। तो बैक टू बैक इनके पास तीन हिट प्रोडक्ट आ गए थे टोबैको कैटेगरी में। सबसे पहला था बाबा, दूसरा था तानसेन माउथ फ्रेशनर, और तीसरा जो था वो तुलसी जर्दा था। ये तीन प्रोडक्ट अपने आप में रिमार्केबल थे और काफी अच्छा चल रहे थे। अब इसके बाद से क्या हुआ, जो सत्यपाल जी थे ये चाहते थी कि अब हम लोग तो मिडिल क्लास सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ एक प्रीमियम प्रोडक्ट भी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिकॉज़ मैं शुरुआत में ही बताया, ये लोग कस्टमर के डिमांड को ना बहुत ही गहराई से देखते थे, डेटा एनालिटिक्स उस टाइम पे इनके पास चलता था, ठीक है? तो जो भी डेटा इनके पास आता था उसको समझते थे और उस डेटा के हिसाब से ये अपना प्रोडक्ट डेवलप करते थे। तो इन्हें एक मार्केट में गैप क्या दिखा, जो प्रीमियम मार्केट है ना उसमें एक माउथ फ्रेशनर का डिमांड था, तो उसी टाइम पे इजाद हुआ रजनीगंधा का। रजनीगंधा को डीएस ग्रुप ने लगभग 1983 के अराउंड लॉन्च किया। तो उस टाइम पे इनका जो टोबैको कैटेगरी था उसमें टोटल चार प्रोडक्ट्स थे, चार ब्रांड्स थे। सबसे पहला था बाबा, दूसरा था तानसेन माउथ फ्रेशनर, तीसरा था तुलसी जर्दा, और चौथा जो आ गया था 1983 में वो था रजनीगंधा। रजनीगंधा जब लॉन्च हुआ तो इसका मार्केटिंग वगैरह इतना अच्छे लेवल पे किया गया कि ये प्रोडक्ट भी अपने आप में हिट हो गया। जब टोबैको में इनका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बढ़ गया तो उसके बाद से इस ग्रुप ने क्या किया कि अब हम इस चीज को छोड़ के अब हम दूसरे सेगमेंट में पहुंचते हैं। तो दूसरा सेगमेंट जो इन्होंने टारगेट किया था वो था F&B सेगमेंट, फूड एंड बेवरेज सेगमेंट। अब देखो मैं बता रहा हूं कि ये लोग कस्टमर डिमांड को काफी डीप तरीके से एनालाइज करते थे। अब देखिए, जब इनको F&B सेक्टर में जाना था तो इन्होंने देखा भाई मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता क्या है, लोग खाने में सबसे ज्यादा क्या डालते हैं। तो उनको जब मार्केट रिसर्च इन्होंने किया, इनको दो चीजें इनके सामने है, एक तो मसाला खाने में सबसे ज्यादा जाता है, बट मसाले में एंटर करने की कॉस्ट तो काफी ज्यादा लगेगा। तो उस टाइम पे लोग सीधे मसाले में नहीं गए, सबसे पहले इन्होंने सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो आपके टेबल पे ही रखा रहता है, एक में सॉल्ट और एक में पेपर। तो इन्होंने सबसे पहले सॉल्ट एंड पेपर डिस्पेंसर के साथ कैच का जो मसाला है उस सेगमेंट का लॉन्च इन्होंने किया, और उस टाइम पे ये जो एक प्रोडक्ट था ये उस टाइम पे अपने आप में एक रिमार्केबल प्रोडक्ट था। मैं रिमार्केबल वर्ड इस वीडियो में काफी बार यूज करूंगा, बिकॉज जो प्रोडक्ट इस ग्रुप ने लॉन्च किए वो काफी ज्यादा रिमार्केबल है अपने आप में, बिकॉज ये जो सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये डीप कस्टमर एनालिसिस, डीप कस्टमर डेटा ड्रिवन अप्रोच से आ रहे हैं। तो जब कैच लॉन्च हुआ उस टाइम पे तो कैच भी अपने आप में एक रिमार्केबल प्रोडक्ट था और हिट हो गया, बिकॉज बड़ा ही नीश सेगमेंट को ये लोग टारगेट कर रहे थे, वो था सॉल्ट एंड पेपर। अब F&B सेगमेंट में जब ये लोग एंटर कर गए 1987 के अराउंड, उसके बाद से इन्होंने और भी प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट में F&B सेगमेंट में लॉन्च किया। दूसरा जो प्रोडक्ट था इनका लॉन्च हुआ लगभग 1996 के अराउंड, वो था सिल्वर एंड गोल्ड वर्क, जो मिठाइयों के ऊपर वर्क जाती है वो इन्होंने फिर लॉन्च किया, वो भी अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट था। 1999 में जो इनका ब्रांड लॉन्च हुआ वो था पास पास, एंड ऐसे कर करके और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो में ऐड होते चले गए। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो में ऐड हुए ना, अब इसको आप कोइंसिडेंस कहो या फिर कुछ भी कहो, बट जितने भी प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च करते थे इतना स्ट्रांग बैकिंग रहती थी इन ब्रांड्स के पीछे कि वो ब्रांड्स अपने आप ही हिट हो जाते थे। पास पास अगर मैं नाम लूं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो माउथ फ्रेशनर आ ही जाएगा जो कि हम और आप कभी खाया करते थे, एक रुपए का मिलता था। तो दैट्स वेरी यूनिक प्रोडक्ट, और वैसा प्रोडक्ट मार्केट में था भी नहीं। तो यही फायदा होता है कि अगर आप अपने कस्टमर्स को समझें, अगर आप अपने कस्टमर्स को डिमांड को मीट करें, तो अपने आप जो आपका प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली एक ब्रांड बन जाएगा। ये चीज आप डीएस ग्रुप से सीख सकते हैं। उसके बाद अराउंड 2000 में ये लोग हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में एंटर हुए। हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में जब ये लोग एंटर हुए तो देखो इनका जो प्रायर एक्सपीरियंस तो था नहीं हॉस्पिटैलिटी में, तो इन्होंने रेडिसन ब्लू के साथ टाई अप करके होटल मनु महारानी लॉन्च किया देहरादून में, रेडिसन ब्लू के साथ टाई अप करके, और ये भी प्रोजेक्ट इनका काफी सक्सेसफुल रहा। उसके
उसके बाद से इन्होंने क्या देखा कि देखो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें पैकेजिंग की जरूरत तो पड़ती ही है, बिकॉज अगर बाबा इलायची आप लो तो उसकी भी पैकेजिंग आती है, फॉइल वगैरह होते हैं। तो इन्होंने फिर 2001 के अंदर इन्होंने पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, बिकॉज ये सोचे कि भाई पैकेजिंग तो हमारी लग ही रही है तो क्यों ना हम खुद की पैकेजिंग बनाना शुरू कर दें। तो फिर से डीएस ग्रुप ने पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी एंट्री मार दी। फिर 2002 में क्या हुआ, इनका जो कैच का जो सेगमेंट था वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो कैच के अंडर में ही इन्होंने कैच का क्लब सोडा लॉन्च किया और उसी साल में इन्होंने बाबा इलायची और सुपारी को भी लॉन्च किया और ये भी प्रोडक्ट काफी हिट पे हिट होते गए। तो अगर आप डीएस ग्रुप को देखें तो इनके पोर्टफोलियो में लगभग 20 से 25 ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा चलते हैं। डीएस ग्रुप काफी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अगर डीएस ग्रुप का जो डीएसएल सेगमेंट है, डीएसएल यानी कि धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, तो पूरे ग्रुप का लगभग 60-70% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इसी ग्रुप का होता है और ये जो ब्रांड्स मैंने बताए ये सारे ब्रांड्स इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आते हैं। अगर हम डीएस ग्रुप का फर्दर बात करें तो डीएस ग्रुप अलग अलग सेक्टर्स में अवेलेबल है। अगर आप देखो तो ये लोग डेयरी सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, डेयरी सेक्टर में जो इनका ब्रांड है वो है केशीर। ये लोग रियल स्टेट में भी ऑपरेट करते हैं, ये लोग अभी पावर जनरेशन सेक्टर में भी जाने वाले, अभी रिसेंट रिपोर्ट था उनका मैंने पढ़ा, तो ये लोग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी जाने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, अपने आप में आप इसको कह सकते हो एक ब्रांड फैक्ट्री, बिकॉज बैक टू बैक काफी ऐसे ब्रांड्स निकाले इस ग्रुप ने जो कि मार्केट में अपने आप में एक ट्रेंड सेटर थे और मार्केट में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। आज के समय में डीएस ग्रुप को सत्यपाल जी के जो बेटे हैं वो लोग ऑपरेट करते हैं और आगे आने वाले समय में डीएस ग्रुप फर्दर एक्सपेंशन कर रहा है प्रीमियम और सब प्रीमियम कैटेगरीज में। अगर आप चाहते हो कि मैं आने वाले वीडियोस में इन पर्टिकुलर ब्रांड्स के बारे में बात करूं, रजनीगंधा कैसे शुरू हुआ, उसका क्या स्ट्रेटजी था, उसका क्या सक्सेस स्टोरी था, इन सारे पर्टिकुलर ब्रांड्स के ऊपर अगर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊं तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, बिकॉज हर एक ब्रांड को इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर मैं कवर करने जाऊं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और जब लंबा हो जाएगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा और जब बोरिंग हो जाएगा तो वीडियो आप बीच में ही छोड़ के चले जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस ग्रुप के पर्टिकुलर ब्रांड्स को मैं कवर करूं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिए। वीडियो में अब हम आगे बढ़े। इनका जो एक बड़ा रिमार्केबल प्रोडक्ट था जो कि बहुत ही रिसेंटली लॉन्च किया गया था, पल्स कैंडी। पल्स कैंडी भी अपने आप में एक बहुत ही मेजर सक्सेस रहा। मेजर सक्सेस इसलिए, देखो पल्स कैंडी लॉन्च हुआ था 2015 के अराउंड जो जब ये लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे काफी सारे कैंडी प्रोडक्ट्स अपने आप में मार्केट में चलते थे। अगर आप देखो तो मैंगो बाइट काफी अच्छा चलता था, कच्चा आम काफी अच्छा चलता था, तो ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी चलते थे और अपने आप में बहुत ही ज्यादा ये प्रोडक्ट्स मार्केट में बिका करते थे। बट पल्स कैंडी कैसे लॉन्च हुआ और क्या स्ट्रेटजी थी इसके पीछे, अगर आप ये पढ़ने जाओ तो वो भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। जब डीएस ग्रुप की टीम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे रिसर्च कर रही थी तो उन्होंने देखा कि देखो मार्केट में ना सिंगल फ्लेवर ये कैंडीज तो चली रही है, ठीक है। सिंगल फ्लेवर कैंडीज यानी अगर कच्चा आम है तो कच्चा आम का फ्लेवर आपके पास आज आपके मुंह में आएगा, अगर मैंगो बाइट है तो उस पर्टिकुलर मैंगो का फ्लेवर आपके मुंह में आएगा, तो ऐसे ऐसे अगर कॉफी का कैंडी है तो कॉफी का फ्लेवर आएगा, बट कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिसमें मल्टी फ्लेवर्स हो। तो डीएस ग्रुप की टीम ने ये जब आरएनडी किया, मार्केट में सर्वे कंडक्ट किया, तो उनको दिखा कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगा कि मार्केट में प्रोडक्ट हिट हो जाएगा। और जब पल्स कैंडी लॉन्च हुआ तो आगे की कहानी मुझे बताने की जरूरत है नहीं, बिकॉज उम्मीद करता हूं कि आपने कभी ना कभी तो आपने पल्स कैंडी खाया ही होगा या फिर पल्स कैंडी खरीदा होगा, और अगर खरीदा नहीं होगा तो आपको दुकान वाले ने छुट्टे के तौर पर आपको फ्री में एक पल्स कैंडी पकड़ा दी होगी, उसके बाद से आपने टेस्ट भी किया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पल्स कैंडी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो कर दूं जिसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाए, कैसे शुरू हुई, कैसे रिसर्च हुआ, कैसे पता चला, कैसे लॉन्च हुआ, सक्सेस कैसे आया, तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो ये जो पूरी कहानी है ये थी डीएस ग्रुप की, कि डीएस ग्रुप शुरू कैसे हुआ और इतने सारे ब्रांड्स को मैनेज कैसे करता है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है लर्निंग्स हम लोग क्या ले सकते हैं डीएस ग्रुप से, जो कि एक ब्रांड फैक्ट्री है अपने आप में। तो सबसे पहली लर्निंग जो मेरे दिमाग में आती है डीएस ग्रुप को एनालाइज करने के बाद से, वो ये है कि स्टार्ट स्मॉल।
स्मॉल, मतलब छोटे स्टेप से शुरुआत कीजिए। यू डोंट हैव टू बी अ वेरी बिग ब्रांड इन जस्ट अ सिंगल डे। आपको बहुत बड़ा ब्रांड एक ही दिन में नहीं बन जाना है। आप पहले छोटे से शुरुआत कीजिए, एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, मार्केट का फीडबैक देखिए, कस्टमर्स क्या कह रहे हैं, एंड आफ्टर दैट इसी से मेरा सेकेंड लर्निंग जो है वो ये आता है कि स्टडी योर कस्टमर्स वेरी क्लोजली। देखो मैं भी बिजनेस में हूं, अगर मुझे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने कस्टमर्स की बातों को सुनता हूं। मेरा कस्टमर चाह क्या रहा है, किस प्रोडक्ट का डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट कब और कहां चलेगा, ये सारी चीजें मेरे कस्टमर्स मुझे बताते हैं, एंड उसके बाद से ही मैं और मेरी टीम हम लोग इस चीज पे काम करते हैं एंड वी वर्क फॉर अ डिफरेंट प्रोडक्ट। अभी हम लोग एक नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं एंड दैट प्रोडक्ट इज सोल्ली बिकॉज ऑफ द कस्टमर फीडबैक दैट वी हैव रिसीव्ड। तो दूसरा चीज है कि कस्टमर का जो डेटा है ना उसको बड़ा ही सीरियसली लीजिए। तीसरा जो चीज है, बी ट्रांसपेरेंट। आप और आपके कस्टमर्स के बीच में ना वो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, वो ट्रस्ट फैक्टर रहना चाहिए, बिकॉज जब बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट होता है ना तो ऑटोमेटिकली बिजनेस ग्रोथ मोड में आ जाता है। धंधे का पहला वसूली यही है कि आपको पहले ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रस्ट डेवलप नहीं करोगे तब तक आप धंधे को बड़ा बना नहीं सकते। चौथी जो लर्निंग है इस वीडियो में वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो डीएस ग्रुप शुरुआत हुआ था एक छोटे से परफ्यूम शॉप से। जब हुआ तो सत्यपाल जी की जब एंट्री हुई डीएस ग्रुप में तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक ब्रांड बनाया। बिकॉज जब तक आपके बिजनेस में एक ब्रांड नहीं रहेगा जिसे आप लोगों को बेच सको तब तक आप उस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे बड़े लेवल पे। सो यू हैव टू बिल्ड अ ब्रांड फर्स्ट। पहले आप एक ब्रांड बनाइए और फिर उस ब्रांड के थ्रू आप मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन लाइए। पहले ये लोग टोबैको में बस काम करते थे। टोबैको में जब ये काम करते तो इनको पता चला भाई हम लोग F&B सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, फूड एंड बेवरेज में भी जा सकते हैं। तो इन्होंने कैच का सेगमेंट लॉन्च किया। कैच के सेगमेंट के बाद इन्हें जब कैंडीज में जाना था, चॉकलेट्स वगैरह में जाना था, इन्होंने पल्स लॉन्च किया। पल्स के बाद लव इट नाम से एक ब्रांड है जिसको इन्होंने एक्वायर किया, तो उससे ये लोग चॉकलेट सेक्टर में भी एंट्री कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन जो डीएस ग्रुप है ना उसका कोर है, दे वर्क ऑन डाइवर्सिफिकेशन। बिकॉज बिजनेस में जब तक डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहेगा ना आप अलग अलग चीजें नहीं करोगे, बट यू हैव टू स्टार्ट विद अ सिंगल थिंग। एक चीज से शुरू करो, आगे चल के उसको डाइवर्सिफाई करो। ऐसा नहीं है कि शुरुआत आपने आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो आगे चल के कुछ नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप छोटे से एक चीज से शुरुआत करो एंड लेटर डाइवर्सिफाई इट। पांचवा और जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो है इनोवेशन। मैंने आपको शुरुआत से एक वर्ड बहुत ही बार रिपीट किया, वो रिमार्केबल। रिमार्केबल प्रोडक्ट तभी बनता है जब वो काफी ज्यादा इनोवेटिव रहेगा। चाहे आप इनका रजनीगंधा ले लो, चाहे आप इनका पास ले लो, चाहे आप इनका पल्स ले लो, चाहे आप इनका कैच का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ये सारे प्रोडक्ट्स अपने आप में काफी ज्यादा इनोवेटिव हैं। और इनोवेटिव प्रोडक्ट होने के चलते ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ब्रांड बने, और ब्रांड बनने के बाद आज के टाइम पे ये एक रिमार्केबल ब्रांड्स हैं। तो अगर आपको रिमार्केबल चीजें करनी है तो आपको इनोवेशन पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये थी पांच लर्निंग्स डीएस ग्रुप से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, एंड लाइक करने के बाद से कॉमेंट सेक्शन में एक चीज और मेंशन कर दीजिएगा कि अगर आपको कोई वैल्यूएबल फीडबैक या फिर सजेशन है तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर मैंने इस वीडियो में कोई गलती की वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आगे से मैं इन गलतियों को ना करूं और वीडियो को और अच्छा बना सकूं। बिकॉज मैं भी अभी सीख रहा हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अपनी लर्निंग्स अपनी जर्नी को इन वीडियोज के थ्रू शेयर करता हूं जो कि उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंच रहा होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।